मीटर रिक्शा चालू करने में हम किसी भी यूनियन का कोई विरोध नहीं है। मीटर रिक्शा में जनता का ही भला है, लेकिन जनता की आवाज को लोगों तक, मीडिया तक पहुंचने ही नहीं देते नेता लोग। मुमरा की जनता अगर चाहे कि शेयरिंग में, वो जिस चीज़ से जाना चाहे वैसा है, लेकिन चूंकि जनता को ये पसंद है शेयरिंग में, और किसी ने उनके ऊपर प्रस्ताव नहीं किया। और सब में बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अगर रिक्शा मीटर पे आ गई तो पैसेंजर जो शेयरिंग में जा रहे हैं उनको किराया महंगा पड़ेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जैसे कि मैंने दो दिन पहले आप सभी को एक खबर पहुंचाई थी कि ऑटो रिक्शा का जो किराया है वो मुमरा शहर में बढ़ चुका है, और कहां से कितना किराया ये हमने पूरी जानकारी दी थी। और साथ ही में हमने ये भी कहा था कि जो रिक्शा यूनियन वाले हैं उसका क्या कहना है ये सारे जो रिक्शा किराया बढ़ा है उसको लेकर के। तो कौसा के ऑटो यूनियन वाले सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, मुमरा कौसा के जितने भी ऑटो यूनियन वाले हैं, बात करेंगे हमसे। अहमद भाई मौजूद है। अहमद भाई, ये जो रिक्शा का किराया बढ़ा, ये ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो आपने किराया इस लॉकडाउन के पीरियड में बढ़ा दिया? रिक्शा वालों की हालत इस लॉकडाउन में हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। 2014 में जो किराया बढ़ा था, उस 15 में उसमें कटौती की गई थी किराए में, कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से या जो भी सियासत हुई थी, लेकिन इसमें जनता का विरोध नहीं था, राजनीतिक पक्षों का विरोध था। अपनी अपनी मतलब हिसाब से वो लोगों ने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, या अपनी सत्ता जमाने के लिए उन्होंने किया, जो भी किया, लेकिन हम घाटे में चल रहे थे। 5 साल तो हमने घाटा बताए बर्दाश्त कर लिए, इसलिए कि लॉकडाउन नहीं था, लेकिन एक सीट एक्स्ट्रा बिठा के रिक्शा वाले कवर कर लेते थे घाटे को। लेकिन लॉकडाउन में रिक्शा बिल्कुल बंद हो गई। जब परमिशन भी मिला तो 2 सीट का, अब 2 सीट में 10 रुपये के किराए पर चलना हमारे लिए नामुमकिन था। महंगाई जो आप लोगों को है वही महंगाई हमको भी है। हर जगह से हम परेशान थे कि क्या करें, कैसे करें। तो इस वक्त ये हो गया कि हमारे पास तो ये पेट के खाने के लाले पड़ गए थे, अब भूखे के लिए समय नहीं होता, जब खाना सामने आए जब खाना है। तो इस वजह से हमको, हमने मौका नहीं देखा मुनासिब है नहीं है, क्योंकि ये परेशानी सारी दुनिया झेल रही है, केवल मुंबई कर या मुमरा कर वाले नहीं झेल रहे, पूरा वर्ल्ड झेल रहा है। सारी दुनिया में महामारी फैली, सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और सबकी परिस्थिति खराब है। लेकिन इन लॉकडाउन में क्या हालत, सब जगह ऐसे ही अगर चले तो आदमी भूखा मर जाए। हमने भीख मांगने से, भूखा रहने से बेहतर हमारे हक का पैसा हमने मांगा है, और वो रेट हमने चालू किया है। हमने किराया बढ़ाया नहीं है, ये हमारा बढ़ा हुआ किराया है जो कम कर दिया गया था, और वो लिस्ट को हमने हटा दिए थे। अब वो लिस्ट दोबारा आई है RTO से अप्रूव होके, हमने अप्रूवल लेटर लिया है, ये उसका GR है, और इस GR की कॉपी कलेक्टर से लेके SSP कमिश्नर सब जगह पहुँची हुई है। और अगर जनता को इसमें किसी बात का विरोध हुआ या कुछ शक हुआ किसी बुनियाद पे, तो RTO से इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा कार्ड किसी भी रिक्शा वाले के पास मिल जाएगा, आप फोटोकॉपी निकालो, RTO में कंप्लेंट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और मुनासिब मौका तो हालात के हिसाब से हम एकदम परेशान थे, इसलिए हमने इस हालात में, हमारे लिए ज़रूरी था। अगर हम आज भी भाड़ा नहीं बढ़ाते तो हम या तो कर्ज़ में डूब जाते या किसानों की तरह हमें भी आत्महत्या करना पड़ता। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि व्हाट्सएप का यही लॉकडाउन के पीरियड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा ये भी कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा तरस आता है तो वो रिक्शे वालों के ऊपर आता है। महीना भर, 6 महीना लॉकडाउन में थे और सिप भी देना पड़ता था, और बात करेंगे EMI भी थी और काफ़ी सारी जो मुसीबतें इसके ऊपर आई। तो मैं ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग हमसे वीडियो डालने के बाद पूछ रहे थे कि जब इतनी परेशानी है तो आप लोग मीटर रिक्शा क्यों नहीं चालू कर देते? मीटर रिक्शा चालू करने में हम किसी भी यूनियन का कोई विरोध नहीं है। मीटर रिक्शा में जनता का ही भला है, लेकिन जनता की आवाज़ को लोगों तक, मीडिया तक पहुंचने ही नहीं देते नेता लोग। शेयरिंग के अंदर मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूं कि RTO जो शेयर करता है मीटर पे 20% टैक्सेस रख के शेयर करता है, वो हमारा वेटिंग चार्ज होता है। और मीटर अगर मुमरा के रिक्शा वाले चाहे, पब्लिक चाहे, तो मीटर भी चल सकता है। मुमरा की जनता अगर चाहे कि शेयरिंग में, वो जिस चीज़ से जाना चाहे वैसा है, लेकिन चूंकि जनता को ये पसंद है शेयरिंग में, और किसी ने उनके ऊपर प्रस्ताव नहीं किया। और सब में बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अगर रिक्शा मीटर पे आ गई तो पैसेंजर जो शेयरिंग में जा रहे हैं उनको किराया महंगा पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 2/3 पब्लिक जो है पैदल चलेंगी, जब पैदल चलेगी तो उनको बस की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे मुमरा के किसी नेता में इतना दम नहीं कि बस चला दे। वो सिर्फ कंपटीशन में, रमज़ान में हम फ्री में चलाएंगे, ताकि रिक्शा वाले बोले गड़बड़ करेंगे, सारी बसें वो पुलिस चौकी तक ही खड़ी रहती, रिक्शा वाला कौन सा पहुंच जाता है। तो ये कंपटीशन
यह मैंपना, ये जो है राजनीति ऐसी नहीं चलती। ये राजनीति लगता है मुनाफा होगा रिक्शे वालों को, ये इतना को बिल्कुल मुनाफा है। आज अगर 300 पैसेंजर के लिए 100 रिक्शा लगती है, 300 पैसेंजर बैठते लाइन से मुमरा स्टेशन से ट्रेन से उतरने, 300 लोगों को 100 रिक्शा ले जाती है। हमारे हिसाब से अगर 200 लोग नहीं बैठेंगे तो भी हमारी 100 रिक्शा निकलेंगी, हमारा मेंटेनेंस बच जाएगा, हमारे टायर कम घिसेंगे। हमारी जो चौथी सीट पे अक्सर केस होती है, हमको चौथी सीट बिठाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हर जगह से फ़ायदे में। लेकिन ये जनता को समझना चाहिए, यहाँ के नगर सेवक को समझना चाहिए, यहाँ के आमदार नेता जितने भी है जो जनता की हमदर्दी करते, वो क्या ये हमदर्दी है? हमारा तो फ़ायदा ही है, मीटर में भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। हमारे साथ मौजूद है अफजल भाई उर्फ नदव, ये कौसा यूनियन के अध्यक्ष है। तो बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो आरोप लगा है रिक्शे वालों के ऊपर, जो अभी इन्होंने भी कहा, जो एम गेट है वहाँ से लोग लेकर के सीट जाते, ना कि ऑटो यूनियन का जो बना हुआ स्टैंड वहाँ से नहीं लेके आते, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, एम गेट के पास जो स्टैंड है, उस स्टैंड पे हमारे कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के जो पदाधिकारी है वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करते हैं वो लोग, सुबह 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक बैठ के, जिसके पास जो कायदेशी मुमरा का रहवासी है और मुमरा का रिक्शा ड्राइवर है, उनके लिए वहाँ पे वो स्टैंड बनाया गया है। और वो बाहर से कोई आता है तो वहाँ से हमारे पदाधिकारी उनको बाहर निकालते हैं, ताकि मुमरा के रिक्शा वालों को उनका धंधा मिल सके। और बाकी जो मुमरा यूनियन वाले जो वो स्टैंड संभालते हैं वो अपनी जगह पे सही है, हम हमारे सही है। बाहर से जो लेके जाते हैं उनको उन पर कार्रवाई करने का पुलिस का अधिकार है, वो हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? हम 10 मरता उनको बोलते एक हवलदार हमको यहाँ पे दे, वो देते नहीं, इसलिए हमारे यूनियन के पदाधिकारी इधर भी खड़ा रहना पड़ता है, मुमरा वाले उधर खड़ा रहते हैं, इसलिए वो जो स्टैंड में जो रिक्शा वाले चलते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी मिलती है। लेकिन रोड पे जो रनिंग से जो पैसेंजर लेके जाते हैं उनके लिए तो हवलदार का काम है, ट्रैफिक का काम है, वो लोग तो ट्रैफिक देते नहीं ना, ट्रैफिक हवलदार। ये जो भी ऑटो यूनियन वाले या रिक्शा यूनियन वालों का जो कहना था ये साफ साफ सही भी है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले ये बीच में काफ़ी पीछे गए, 6 महीना थे बैठे घर में, फिर भी EMI देना पड़ा उनको, और जो लॉस में थे आप जैसे कि जानते हैं, जो जिम्मेदारान लोग हैं इन लोग ने राशन वगैरह भी बांटा, लेकिन बहरहाल मसला इन लोगों का हल नहीं हुआ। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या जनता खुश रहेगी, ये भी पक्ष हम रखेंगे। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।